तुम लगवाए हो? अरे उतर जाओ, उस पे नहीं बैठना। नहीं वेलकम बैक माई न्यू ब्लॉग। तो यहाँ का खास बात यह है कि यहाँ पर इतना रुपए फीस लगता है, जीरो यानी जीरो रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे जब मन करे तब आप आ सकते हैं विदाउट एनी फीस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग होने वाला है एक विशाल ऐतिहासिक खुसरो बाग के बारे में। तो जो खुसरो बाग है, यह जो प्रयाग जंक्शन से लगभग 200 मीटर के आसपास में स्थित है। अगर आप कभी प्रयागराज आ रहे हैं तो आप यहां पे घूम सकते हैं। तो चलो टाइम बिना वेस्ट किए हुए कार्यक्रम शुरू करते हैं। यह जो आपको सामने जो मकबरा दिख रहा है, यह शाह बेगम का मकबरा है, जो खुसरो की माता जी थी। उन्होंने आत्महत्या कर लिया था तो इसी में उनको दफनाया गया है। और ये रहा खुसरो की बहन का मकबरा, जो कि निथार बेगम थी। इनको यहाँ पे दफनाया नहीं गया है, लेकिन वो खुद अपना टॉम्ब का निर्माण खुद ही करवाया था। और लास्ट में जो दिख रहा है वो खुसरो का मकबरा है, जो निथार बेगम यानी उनकी बहन ने उनका निर्माण करवाया था उस टॉम्ब का। तो आओ चलो आपको पास से दिखाते हैं। आओ एक मैजिक दिखाते हैं आपको। दिस अनस लव फौजियास, पता नहीं क्या क्या। तो कम से कम हमारे आज को कम से कम जो ऐतिहासिक स्थल है उसके दीवारों पे तो ना लिखा करो। ये देखो साग कैसा नाजीम, दिस इज बैड मैनर। शाह बेगम के मकबरे के बाद ये बगल में आपको दिखेगा निथार बेगम का मकबरा। तो आओ चलो चलते हैं वहाँ पर। अब यहाँ पे तो आप देख ही लिए वहाँ पे मकबरे के पास, और देखते हैं यहाँ पे कुछ खास। फिलहाल इसकी डिज़ाइन काफ़ी अद्भुत है, और थोड़ा सा सिनेमेटिक शॉट लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं यहाँ। दिस इज निसार बेगम टॉम्ब, और इसको भी पढ़ना है पढ़ लो। आस्की की दीवार निसार माइट्रोकांड्रिया, ओ माय गॉड, बायोलॉजिकल लव है। अभी Oh, 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 oh
निसार बेगम का जो मकबरा था उसको दिखा दिए आपको। अंदर जाना अलाउ नहीं है किसी में। तो अब लास्ट में बचता है हमारे प्रिंसेस खुसरो का टॉम, यानी खुसरो का मकबरा। बाहर से ही आपको दिखाते हैं यहाँ का कुछ खास चित्रकला। तो आओ चलो चलते हैं। यहाँ का थोड़ा सा हिस्ट्री हम आपको बता देते हैं कि जो खुसरो था वो अपने पिताजी यानी कि जहांगीर का विद्रोह करने लगा था, जिसकी वजह से जहांगीर ने उसको नज़रबंद यानी उसकी आंखें निकलवा कर उसको बंदी बना दिया गया। फिर जब वो भागने की कोशिश किया तो उसको बाद में उसको मरवा दिया गया। पता चला यह कि जो मरवाने का आदेश दिया था वह जहांगीर का तीसरा बेटा यानी खुर्रम खान ने यह आदेश दिया मार दिया जाए। फिर बाद में यहाँ का जो राजा बना वो खुर्रम खान यानी जो शाहजहाँ के नाम से जाना जाता है। हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है बट अगर बताया जाए तो बहुत ढेर सारा है। चलो कार्यक्रम ख़त्म करते हैं। के तू मेरी आँखों में है पूरी जचती और तेरे आगे मेरी नहीं एक चलती।